गुड डे फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जी जी रियल क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस तरह की दो कलर के लड्डू गोपाल के लिए बड़ी प्यारी सी ड्रेस लेके आई हूँ। आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये ड्रेस मैंने पफ स्टिच से बनाई है, इस तरह से दो कलर से बनाई है, वाइट और ऑरेंज कलर से बनाई है। पीछे से मैं ड्रेस इस तरह से लगती है, तो ये बड़ी प्यारी सी ड्रेस है। ये हमारे 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस में मैंने आपको चोली बनाना बताया है और घेरा, दोनों चीज़ हमने साथ में बनाई है। इसमें चोली को मैंने इसमें शॉर्ट में बताया है, अगर आपको चोली को डिटेल में देखना हो तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो चलो आज ही हम बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाते हैं। इसे बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलो हम अभी ड्रेस बनाते हैं। आज ही हम 2 और 3 नंबर की चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें 13 चैन बना ली। अब इसके बाद मैं इसमें एक चैन और बनाती हूँ और एक चैन छोड़ के अपनी दूसरी चैन में एक सिंगल क्रोशा बनाती हूँ। सभी चैन के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए अपनी ये फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ। तो मैं सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशा बना के ये रो कंप्लीट करके आपको लाती हूँ। मैंने इसमें ये सभी चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशा बना के अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हम शुरू में 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद हमारा पहली चैन में पहला डबल क्रोशा तो ये हो गया, फिर हम इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशा और बनाते हैं, तो हमारे ये 2 डबल क्रोशा हो गए। अब दूसरी चैन के अंदर हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। तीन डबल क्रोशा बनाने के बाद हम तीसरी चैन के अंदर 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। इससे हमने तीसरी चैन में 2 डबल क्रोशा बना लिया। अब हम अपनी चौथी चैन में, चौथी चैन में हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। आगे की 5 चैन के अंदर हम 3 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। चौथी में भी 3 बनाएंगे, पांचवी में भी, छठी में भी, सातवीं में भी, आठवीं में भी और नौवीं में भी। तो ये हम 4 से लेकर 9 तक सभी चैन के अंदर हम 3 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये सभी चैन में मैं 3 3 डबल क्रोशा बना के लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने हमने 9वीं चैन तक 3 3 डबल क्रोशा बनाए। 10वीं चैन के अंदर हम वापस से 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर 11वीं में हम 3 बनाएंगे, 12वीं में 2 बनाएंगे, 13वीं में भी मैं 2 बनाऊंगी। हमको लास्ट टाइम इसमें 34 डबल क्रोशा चाहिए रहते हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से भी एडजस्ट करके बना सकते हैं जैसे आपको सुविधा लगे। हमारे 34 डबल क्रोशा हो गए। लास्ट में इसमें हमें 34 डबल क्रोशा चाहिए रहते हैं, तो मैंने 34 डबल क्रोशा कर लिए। शुरू में हमने इसमें पहले में 2 बनाए थे, दूसरे में 3 बनाए, तीसरे में 2 बनाए, फिर चौथे में 3 बनाए, फिर 5 6 7 8 9 तक हमने 3 3 बनाए, फिर हम 2 बनाएंगे, फिर 3, लास्ट के में हम 2 2 बनाएंगे। इस तरह हमें 34 डबल क्रोशा चाहिए रहते हैं। अब शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं, तो पहला डबल क्रोशा तो हमारा ये हो गया। दूसरी चैन के अंदर हम दूसरा डबल क्रोशा बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं इसके अंदर 5 डबल क्रोशा बनाऊँगी 5 चैन में, 3 4 और 5। 5 चैन में 5 डबल क्रोशा हो गए। बाजू के लिए हम इसमें 7 चैन छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चैन छोड़ के 8वीं चैन के अंदर हम एक इसमें एक डबल क्रोशा बनाते हैं। एक तो हमारा बन गया। पीछे की तरफ इसमें हम 9 डबल क्रोशा और बनाएंगे, फिर वापस से हम 7 चैन छोड़ देंगे और आगे के पार्ट में हम इसमें 5 डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह हमारे तीनों पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। आगे के पार्ट में हमारे 5 5 रहते हैं, पीछे के पार्ट में हमारे 10 डबल क्रोशा रहते हैं। इस तरह हमारे ये कंप्लीट होता है। तो ये रो कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली और हमारी दोनों बाजू बन के तैयार हो गई। अब इसके अंदर हम वापस से 3 चैन बनाते हैं और सभी चैन के अंदर मैं एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए अपनी ये रो कम्प्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये डबल क्रोशा की रो निकाल के इसे कम्प्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया की रो निकालेंगे। अगर आपको लंबाई कम लगे तो आप निकालना, नहीं तो मत निकालना। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको आप अपने लड्डू गोपाल से इसकी लंबाई नाप के फिर निकालें।
तो हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया की रो निकाल के मैं इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ। इसलिए मैंने इसमें हाफ डबल क्रोशिया को कंप्लीट करके इसे यहाँ स्लिप चैन से जोड़ दिया। अब यहाँ पे शुरू में हम तीन चैन बनाते हैं। तीन चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर मैं एक डबल क्रोशिया और बनाती हूँ। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसी चैन के अंदर मैं पफ स्टिच बनाऊँ। सबसे पहले मैं एक चैन बनाती हूँ, फिर इस तरह से अपने ऊन को अपने लूप को इतना लंबा लेते हैं, फिर इस तरह से लूप को लेते हैं, इसी चैन के अंदर से यहाँ पे एक दो हो गए हमारे, एक पहला ले लिया था हमने, तीन चार, इस तरह हम पांच बार लूप को लेंगे। और पांच बार लूप को लेने के बाद इस तरह से पांच बार लूप लेने के बाद जब हम अगला लूप लेते हैं, फिर इस लूप को यहाँ पे अपनी उंगली से इस तरह पकड़ लेते हैं और इसको इसमें से निकाल देते हैं। फिर इस वाले लूप में से हम अपनी क्रोशिया को डाल के एक लूप और लेते हैं और इन्हें दो का एक कर देते हैं। इस तरह हमारे एक लूप एक पफ स्टिच बन जाती है। फिर हम तीन चैन बनाएं। तीन चैन बनाने के बाद जहाँ से हमने शुरू किया था उसे वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर देते हैं। फिर से यहीं इसी चैन से जोड़ने के बाद वापस से हम एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया में, इसमें हमने बनाया था इसे छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं। फिर यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे और वापस से पफ स्टिच बनाएंगे पांच लूप के। तो इस तरह एक डबल क्रोशिया के अंदर तो एक पफ स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, इससे लास्ट में हमारे इसमें 10 पफ स्टिच बन जाएंगे। तो ये मैं रो कम्प्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लाते हुए हम इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में मैंने पफ स्टिच बना ली है। उसके बाद जो हमने शुरू में तीन चैन बनाई थी वहाँ से तीसरी चैन में से स्लिप चैन से जोड़ देंगे। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद यहाँ पे हम अपना ये कलर फिनिश करते हैं। इसे कट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर लगाने के बाद शुरू में हम यहाँ तीन चैन बनाते हैं। तीन चैन बनाने के बाद जो हमने पफ स्टिच का जो हमारा क्रोशिया है डबल क्रोशिया, उसको हम पीछे से बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह अपने लूप को लेंगे, पफ स्टिच को इस तरह पीछे करेंगे, जो हमारा ये डबल क्रोशिया इसको इस तरह से बैक पोस्ट करते हुए हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन बनाते हैं, फिर अगले वाले पफ स्टिच के अंदर हम एक बैक पोस्ट बनाते हैं। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर अगले पफ स्टिच में एक बैक पोस्ट बनाएंगे, पफ स्टिच के डबल क्रोशिया में। इस तरह से हम इसमें बैक पोस्ट बनाते हुए अपनी इस रो को कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बीच में हमें एक चैन बनानी है। हर पफ स्टिच के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक चैन बनाते हुए अपनी इस रो को कंप्लीट करते हैं। इस तरह मैंने अपनी रो भी कंप्लीट कर ली है और मैंने इसको यहाँ स्लिप चैन से जोड़ दिया है। अब वापस शुरू में हम तीन चैन बनाते हैं। तीन चैन बनाने के बाद जो हमारा पहला वाला है गैप है, इस गैप के यहाँ पे जो ये हमारा चैन स्टिच है, इस चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। जो हमारा डबल क्रोशिया होता है उसके पास में जो चैन होती है उसके अंदर एक चैन एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। अगले वाले डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और अपनी पफ स्टिच बनाते हैं। पांच लेके फिर हम इसे पफ स्टिच बना देते हैं अपना। फिर तीन चैन बनाएंगे, फिर हम अगले वाली चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर अगले दो के बीच में, दो डबल क्रोशिया के बीच में, इस डबल क्रोशिया पे तो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इस डबल क्रोशिया के बीच में हम वापस से एक पफ स्टिच बनाते हैं। पहले डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर एक चैन बनाते हैं, फिर पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह ये रो बनाएंगे एक। अब इस चैन के आगे हम इस चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बीच में हम एक पफ स्टिच बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया इस तरह बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये रो भी कंप्लीट करती हूँ। फिर मैंने अपने ऑरेंज की रो भी कंप्लीट कर ली है। अब वापस से अपना वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। यहाँ पे मैं इस तरह से उनको ज्वाइन करती हूँ। शुरू में मैं यहाँ पे तीन चैन बनाती हूँ।
किंचन बनाने के बाद वापस्यम इसी चैन में, जो हमारे पफ स्टिच के पास में जो चैन होती है जहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पे तो हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अपना, फिर हमारा एक ही डबल क्रोशिया हो गया। अब उसके बाद हम इसमें एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद जो हमारी पफ स्टिच का जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके पीछे हम यहाँ पे पफ स्टिच का जो डबल क्रोशिया है उसके पीछे हम यहाँ पे एक बैक पोस्ट बनाते हैं। एक बैक पोस्ट बनाया, फिर वापस से एक चैन लेते हैं और इसी जगह एक दूसरा बैक पोस्ट बनाएंगे। पिछली बार हमने एक बैक पोस्ट बनाया था, इस बार हम यहाँ पे इसमें दो बैक पोस्ट बनाएंगे, लेकिन बीच में चैन जरूर बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया के बीच में हमें चैन बनानी है। बैक पोस्ट बनाएंगे तो भी अब एक चैन बनाएंगे, फिर अपने अगले वाले चैन डबल क्रोशिया के अंदर हम यहाँ पे एक जो हमारी चैन है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर हमने यहाँ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर हमने एक चैन बना लिया, वापस से हमारा बैक पोस्ट पफ स्टिच वाला डबल क्रोशिया आ गया, उसमें हम वापस से बैक पोस्ट बनाते हैं। इस तरह पहले हम एक बैक पोस्ट बनाते हैं, फिर एक चैन बनाएंगे, इसी जगह हम एक बैक पोस्ट और बनाते हैं। तो हमारे पफ स्टिच वाले डबल क्रोशिया में तो हमें दो बार बैक पोस्ट बनाना है। बीच में जो हमारा एक डबल क्रोशिया था उस चैन के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और सभी के बीच में हमें एक एक चैन बनानी है। इस तरह हमारे दो बैक पोस्ट हो गए, फिर हम एक चैन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन बनाएंगे और फिर पीछे पफ स्टिच वाले डबल क्रोशिया में हम दो बार बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी इस रो को कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी ये रो भी कंप्लीट कर ली है। इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं। लास्ट में आके मैंने दो पफ स्टिच बना ली थी, सॉरी दो बैक पोस्ट बना लिए थे, उसके बाद एक चैन बना लिया और जहाँ से हमने शुरू किया था उसी जगह इसे तीसरी चैन से हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देते। तीन चैन बनाने के बाद जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर हमारे जो पफ स्टिच के हमने दो बैक पोस्ट बनाए थे उसके पास वाले डबल क्रोशिया के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं। फिर आगे की तरफ जो हमारा ये जो हमने दो बैक पोस्ट बनाए थे उनके बीच में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाते हैं और यहाँ पे अपना एक पफ स्टिच बनाते हैं, एक चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम अपना एक पफ स्टिच बनाते हैं। इसे वापस से इसी जगह हम ज्वाइन कर देते हैं सिंगल क्रोशिया से। फिर इसी जगह पे मैं एक पफ स्टिच और बनाती हूँ, तो इस बार हमें दो पफ स्टिच बनानी है, तो पहले हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर एक चैन बनाएंगे, इसी जगह एक पफ स्टिच और बनाते हैं। वैसे यही इसी जगह से हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देते हैं। फिर आगे की तरफ हम इसमें एक चैन बनाते हैं। एक चैन बनाने के बाद इसमें हम आगे जो हमारा डबल क्रोशिया उसके चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, ये हमारी चैन है इसके अंदर। फिर आगे की तरफ हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं, तो हमारे बीच में दो डबल क्रोशिया हो जाते हैं, फिर हम एक चैन बनाते हैं। फिर जो हमारा बीच का जो हमारा वापस से जो दो बैक पोस्ट आ गए उनके बीच में वापस से हम दो पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये रो भी कंप्लीट करती हूँ। अब हम इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में आने के बाद जो शुरू में तीन चैन बनाई थी वहीं से हम स्लिप चैन से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे जिस तरह हमारे बीच में दो डबल क्रोशिया बने थे
दो डबल क्रोशिया बने हैं और दो हमारे पफ स्टिच के डबल क्रोशिया बने हैं। इस तरह हमारे यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हो गए हैं और हमारे पफ स्टिच कंप्लीट हो। अब अपने हम वाइट कलर के उनको यहीं छोड़ देते हैं और ऑरेंज कलर के उनसे हम यहाँ पे शुरू में तीन चैन बनाएंगे। फिर इसी जगह पे हम इसमें एक डबल क्रोशिया अगली चैन में इसमें एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर अगली में अगली चैन है हमारे यहाँ पे, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, तो हमारे बीच में अब ये तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पिछली बार हमारे दो थे, इस बार तीन हो गए। फिर हम एक चैन बनाएंगे और जो हमारा पफ स्टिच का है उसको हम पीछे से बैक पोस्ट बनाते हैं। इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे हम, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर अगला जो सेकंड वाला पफ स्टिच है उसके अंदर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर बीच में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक दो और तीन डबल क्रोशिया। तो पहला तो हमारी इस पहली चेन में बन जाएगा, फिर दूसरा इसके पास वाली चेन में बनेगा और तीसरा इसके पास में एक चेन और है इसमें बनाएंगे। इस तरह हमारे तीन के अंदर ये तीन डबल क्रोशिया बन गए। फिर हम एक चेन बनाते हैं और फिर पीछे से हमारे वापस से ये दो हमारे बैक पोस्ट आ गए, इनके अंदर हम बैक पोस्ट बनाते हैं। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तो पहले वाले में से बनाती हूँ बैक पोस्ट में, फिर एक चेन बनाऊंगी, फिर दूसरा बैक पोस्ट बनाऊंगी, फिर एक चेन बनाएंगे हम, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी इनके बीच में भी एक चैन बनेगा, बना लिया हमने। फिर यहाँ पे हम एक बैक पोस्ट लेते हैं, फिर हम एक चैन लेंगे, फिर हम बीच में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो पफ स्टिच के पीछे तो हम दो बैक पोस्ट बनाते हैं और यहाँ पे बीच में हमारे तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे, फिर एक बैक पोस्ट, फिर एक चैन, फिर एक बैक पोस्ट, फिर एक चैन, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक बैक पोस्ट, फिर एक चैन, फिर एक चैन और फिर वापस से तीन डबल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए हमारा ये रो भी कंप्लीट होती है। तो ये रो मैं कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बनाते हम इसके लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने एक चैन बना ली है बैक पोस्ट बनाने के बाद। अब शुरू में हमारे तीन डबल क्रोशिया है, तो शुरू वाली तीसरी चैन में से हम स्लिप चैन से जोड़ के अपने इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ शुरू में हम तीन चैन बनाते हैं। तीन चैन बनाने के बाद इसी चैन में यहाँ पे हम इसके पास वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। अगली में हम तीसरे डबल क्रोशिया बनाते हैं, इस तरह हमारे तीन डबल क्रोशिया हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें जो हमारा अगला चैन है उस चैन के अंदर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं। उसके बाद चार और डबल क्रोशिया हो गए हमारे। उसके बाद हमारा पफ स्टिच वाला बीच का रो आ जाते हैं, जो हमारे दो हम बैक पोस्ट बनाते हैं वो आ जाते हैं। उसमें बीच में हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे, तो इसमें हम अब इस बार हम तीन पफ स्टिच बनाएंगे। अब तीन पफ स्टिच हमारी बन गई हैं। उसके बाद हम अगले डबल क्रोशिया की चैन के अंदर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक अगली में बनाया, दो उससे अगली में बनाया, तीन अब इसे अगली चैन में हम एक और बनाते हैं, तो कुल हमारे बीच में अब चार डबल क्रोशिया हो जाते हैं। फिर वापस से हम अपनी बैक पोस्ट पे आ गए, तो वापस से हम यहाँ पे पफ स्टिच बनाते हैं। बीच में हम तीन की जगह हमारे चार चार डबल क्रोशिया हो जाएंगे और तीन तीन पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये रो भी कंप्लीट करती हूँ।
सिर बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में आने के बाद यहाँ पे हमारी एक चैन है, एक जो डबल क्रोशे है उसके पास वाली चैन के अंदर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे और बनाएंगे, तो हमारे यहाँ पे भी चार डबल क्रोशे हो जाएंगे क्योंकि हमने बीच में चार डबल क्रोशे बनाए। तीन डबल क्रोशे तो हमारे शुरू में बन गए थे, चौथा डबल क्रोशा हमने यहाँ पर बना लिया। अब इसे यहाँ पर हम शुरू में जहाँ तीन चैन बनाई थी वहाँ पर हम इसे स्लिप चैन से जोड़ के अपनी ऊन को हम कट कर देंगे। इससे हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाना आप, अरे चोली बनाना आप मेरे पहले के वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पर हमारा स्लिप चैन से जोड़ा हुआ होता है वहाँ से हम इसे शुरू करते हैं। और सभी डबल क्रोशिया के बीच में दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर अगले में हम दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं इसके आगे के हिस्से में बनाती हूँ। जब हम इसके कोने पे आ जाते हैं तो यहाँ पे शुरू में हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया सॉरी दो सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। दो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम एक चैन बनाते हैं, फिर इसी जगह पे हम दो सिंगल क्रोशिया और बनाते हैं। सभी जगह हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, इस तरह हमारा कोना बन जाता है। और सभी चैन के अंदर अब हम आगे की सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम दोनों बाजू में बनाएंगे। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको डिटेल में चोली देखनी हो तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो मैं इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसके आगे और बाजू भी बॉर्डर बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी प्यारी लगती है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।